हेलो दोस्तों, शिवाला क्लासेस के ऑनलाइन एग्रीकल्चर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था एज डिटरमिनेशन ऑफ एनिमल्स। आज अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करना, या अपन बोल सकते हैं मार्क ऑफ एनिमल्स, मार्क ऑफ एनिमल्स पशुओं को चिन्हित करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट क्यों पशुओं को चिन्हित किया जाता है, तो पशुओं को चिन्हित करने का जो उद्देश्य है वो है पशुओं की पहचान करना। पशुओं की पहचान करना, पशुओं की पहचान करने के लिए पशुओं को चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने की जो टोटल मेथड है वो है नंबर वन टेटूइंग, टेटूइंग नंबर दो दागना, नंबर तीन ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग नंबर चार टैगिंग और नंबर पांच पेंटिंग। एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के पांच मेथड है, चिन्हित करने के पांच तरीके हैं। कौन कौन से हैं? टेटूइंग, नंबर दो दागना मतलब ब्रांडिंग, नंबर तीन ईयर नोचिंग, नंबर चार टैगिंग और नंबर पांच पेंटिंग। पांच तरीके से अपन पशुओं को चिन्हित कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है टेटूइंग। पशुओं को चिन्हित करने की पहली जो विधि है वो है टेटूइंग। टेटूइंग विधि के द्वारा जब पशुओं को चिन्हित किया जाता है तो मुख्य रूप से पशुओं को चिन्हित करने के लिए जो काम में ली जाती है या जो चिन्हित किया जाता है, मेनली गाय एवं भैंस को चिन्हित किया जाता है। गाय एवं भैंस को चिन्हित करने की अच्छी विधि है वो है टेटूइंग। टेटूइंग विधि में अपन क्या करते हैं कि पशु के जो कान है या पशु के कान के अंदर की तरफ छेद करके या पिन करके पक्की स्याही भर दी जाती है, पक्की स्याही भर दी जाती है कान के अंदर की तरफ, पिन या छेद करके पक्की स्याही भर दी जाती है। यह पशुओं के चयन की एक
स्थायी विधि है। कैसी विधि है? स्थायी विधि है। क्यों? क्योंकि अपन जो भी स्याही काम में लेते हैं, जो भी इंक अपन काम में लेते हैं कान के अंदर की तरफ छेद करके, वो पक्की काम में लेते हैं, परमानेंट इंक काम में लेते हैं। इसलिए पशुओं को चिन्हित करने की यह एक स्थायी विधि है। पशुओं को चिन्हित करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ये। पशुओं को चिन्हित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? टैटूइंग है। दूसरा जो मेथड है वो है दागना, या अपन बोल सकते हैं ब्रांडिंग। दागना या ब्रांडिंग विधि जो काम में ली जाती है, ये मुख्य रूप से ऊंटों को एवं बकरियों को चिन्हित करने के काम में ली जाती है। यह विधि मुख्य रूप से ऊंट एवं बकरी को चिन्हित करने के काम में ली जाती है। ब्रांडिंग या दागना जो विधि है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक है गरम दागना और एक है ठंडा दागना। दो प्रकार से पशुओं को दागा जाता है, ब्रांडिंग की जाती है। गरम दागने में क्या करते हैं कि अपने पास में एक आयरन रोड होती है या लोहे की छड़ होती है, आयरन रोड या लोहे की छड़ काम में लेते हैं। उस लोहे की छड़ को गरम करके पशु की जांग के ऊपर लगाया जाता है, पशु की जांग के ऊपर लगा दिया जाता है। और अगर आपको ठंडा दागना है तो उस लोहे की छड़ को ब्रांडिलक्स ऑयल या अपन बोल सकते हैं ब्रांडम का घोल में डुबोकर पशु की जांग के ऊपर लगा दिया जाता है। यह पशुओं को चिन्हित करने की एक अस्थायी विधि है। कैसी विधि है ये? अस्थायी विधि है, क्योंकि धीरे धीरे ये समय के साथ साथ जो अपन मार्क बनाए थे अपन ने, वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसलिए पशुओं को चिन्हित करने की यह एक अस्थायी विधि है। तीसरा जो मेथड है वो है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग, यह विधि मुख्य रूप से सुअरों में प्रचलित है। कौन से पशुओं को चिन्हित किया जाता है? इस विधि द्वारा सुअरों को चिन्हित किया जाता है। ईयर नोचिंग विधि द्वारा जब पशुओं को चिन्हित किया जाता है या सुअरों को चिन्हित किया जाता है, तो जो सुअर है उसके कान के किनारे काट दिए जाते हैं। किस भाग को चिन्हित करते हैं इसमें? कान को। कान के किनारे काट दिए जाते हैं। और जब कान के किनारे काट दिए जाते हैं, ये परमानेंट कटे हुए रहते हैं। इसलिए पशुओं को चिन्हित करने की एक स्थाई विधि है ये। कौन सी विधि है? स्थाई विधि है। नंबर चार, फोर्थ जो मेथड है वो है टैगिंग। टैगिंग जो विधि है, ये मुख्य रूप से पक्षियों एवं मुर्गियों को चिन्हित करने के काम में लिए जाती है। पक्षियों एवं मुर्गियों को चिन्हित करने के काम में ली जाती है। इस विधि में अपन क्या करते हैं कि जो भी बर्ड्स होते हैं, जो भी पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं या पक्षी हैं कुक्कुट पालन में, उन पक्षियों को चिन्हित करने के लिए
पक्षियों के जो पैर हैं, या अपन बोल सकते हैं पैरों में प्लास्टिक के, पैरों में प्लास्टिक के छल्ले बांध दिए जाते हैं, या तो प्लास्टिक के छल्ले काम में ले सकते हैं, या अपन छल्ले काम में लेंगे एल्यूमिनियम के। और कुछ समय बाद में उन छल्लों को वापस हटा दिया जाता है या खोल दिया जाता है। इसलिए टैगिंग जो मेथड है, यह पशुओं को चिन्हित करने की एक अस्थाई विधि है। कैसी विधि है? यह अस्थाई विधि है। नंबर पांच, पांचवा जो मेथड है वो है पेंटिंग। पेंटिंग जो विधि काम में ली जाती है, यह भेड़ों में प्रचलित है। कौन से पशुओं में? भेड़ों में सर्वाधिक काम में ली जाती है इस विधि को। इस विधि में अपन क्या करते हैं कि जो भेड़ है उनके शरीर के ऊपर पेंट कर दिया जाता है या फिर रंग लगा दिया जाता है, और समय के साथ साथ वो रंग या पेंट जो अपन करते हैं वो वहां से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इसलिए पशुओं को चिन्हित करने की यह एक अस्थाई विधि है। कैसी विधि है? ये अस्थाई विधि है। तो अपन ने देखा कि पशुओं को चिन्हित करने के पांच मेथड थे अपने पास में। पहला जो मेथड था, या चिन्हित करने का जो मेन ऑब्जेक्ट था, वो था पशुओं को पहचान करना या पशुओं की पहचान करना। पहली जो विधि थी वो थी टेटोइंग। टेटोइंग जो विधि है, ये मुख्य रूप से गाय एवं भैंस में काम में ली जाती है। इस विधि में कान के अंदर की तरफ छेद करके पक्की स्याही भर दी जाती है। इसलिए चिन्हित करने की यह एक स्थायी विधि होती है। और इस विधि का जो सबसे ज्यादा जो उपयोग, या यूं कह सकते हैं कि यह विधि है ना, पशुओं को चिन्हित करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। दूसरी विधि है वो है दागना, या फिर अपन बोल सकते हैं ब्रांडिंग। दागना या ब्रांडिंग जो विधि है, ये मुख्य रूप से ऊंट एवं बकरियों में काम में ली जाती है। लोहे की छड़ के द्वारा पशु की जांघ के ऊपर दाग दिया जाता है। दो प्रकार से दागा जाता है, गर्म दागना और ठंडा दागना। गर्म दागने के लिए कुछ भी नहीं है, लोहे की छड़ को गर्म करके पशु की जांघ के ऊपर लगा दिया जाता है। ठंडा दागने में क्या होता है कि जो लोहे की जो छड़ होती है उसको ब्रांडिलक्स ऑयल या ब्रांडम के घोल में डुबोकर पशु की जांघ के ऊपर लगा दिया जाता है। चिन्हित करने की यह एक अस्थाई विधि है। तीसरी जो विधि है अपने पास में वो है ईयर नोचिंग। इंपॉर्टेंट मेथड है ये। यह विधि सुअरों में प्रचलित है। कान के किनारे काट दिए जाते हैं, इसलिए चिन्हित करने की यह स्थाई विधि है। टैगिंग, पक्षियों एवं मुर्गियों को चिन्हित किया जाता है। पैरों में एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के छल्ले बांध दिए जाते हैं। कुछ समय बाद में उनको वापस खोल दिया जाता है, इसलिए चिन्हित करने की यह एक अस्थाई विधि है। नंबर पांच जो मेथड है वो है पेंटिंग। यह सर्वाधिक भेड़ों में प्रचलित है और चिन्हित करने की एक अस्थाई विधि है। तो टोटल कितने मेथड हो गए? पांच। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।